जय श्री महाकाल। हरिहर ह्यूमन माइंड नेवर काइंड। जो इंसान का जो मन होता है उसमें कोई भी दयालु होती नहीं है। मन में जब जब मानव ह्यूमन माइंड से चला है तो हमेशा उसका माइंड क्रैंक ही रहा है। वो क्रैंक माइंड हमेशा क्या करता है, प्रैंक कंडीशन क्रिएट करता है, ठीक है, मजाकिया कंडीशन, ठीक है, जहाँ मतलब जो व्यक्ति सनकी रहेगा, ठीक है, वो कुछ भी उठपटांग हरकतें करेगा। और आज के टाइम प्रैंक वीडियोस जब से ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है, कैसे भी करके हंसाना, बात समझिए, क्या इससे मानव का सॉल्यूशन हो जा रहा है, हाँ या ना? तो बिल्कुल बात समझेंगे, सत्य बात तो निकल के नहीं आ रही है, फालतू बकवास बात ज़्यादा चल रही है, इसलिए आदमी का दिमाग में वही सातिर चीज चल रही है। आदमी जो काम की बात और जो समझ की बात होना चाहिए मानव जगत में, इस मानव शरीर को जो प्राप्त हुआ है, जीवन में जो आया है, वो बात तो हो नहीं रही है, और आदमी फालतू चीज में लगे जा रहा है, दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को हंसाने के लिए, दूसरे की लाइक लेने के लिए, दूसरे के सब्सक्राइब लेने के लिए, ठीक है, बात निश्चित है, या कैसे भी अर्निंग पैसा करने से, बिल्कुल बात समझ लेंगे, बात बिल्कुल निश्चित है कि वहां पे फेक कंडीशन बनती है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्रिएट होता है, नॉट ओनली द वीडियोस बट ऑन द रियलिटी ऑल्सो। द पर्सन आज यदि मन से चल रहा है, क्रैंक माइंड जो चल रहा है, वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्रिएट करे जा रहा है पूरी पृथ्वी पे, इसलिए पूरी पृथ्वी अब विनाश की ओर आ रही है, क्योंकि कुछ भी मन में आया जा रहा है, कुछ भी आविष्कार किया जा रहा है और कुछ भी चीज हो रही है। तो अब बिल्कुल बात समझना पड़ेगा हर मानव जाति को कि अब जो है कॉन्शियस अवेयरनेस पे आना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्शियस मानव को होना होगा, आज चेतना जागृत करना ही होगा मानव को, और चेतना जागृति तभी होगी जब वो मानव पूर्णतः रूप से अपने सोल से काम करेगा, और जो सोल काम करती है वो पूर्णतः रूप से फ्रैंकली काम करती है, पूरे फ्रैंक होके काम करती है, स्पष्ट होके आंतरिक से सीधे आवाज जाती है, और वहां पे मानव को सिर्फ जस्टिस होता है, ठीक है। तो जस्टिस करने वाला व्यक्ति हमेशा मैच्योर रहेगा, और जो अन्याय कर रहा है, जो प्रॉब्लम क्रिएटर है, वो सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, इनमेच्योर है, ठीक है, अभी भी बचकाना हरकतें हैं, अभी भी बचपना है, अभी मानो बड़ा ही नहीं हुआ है, बड़े हो के भी बड़ा नहीं हो पाया, और छोटों से अपेक्षा कर रहे हैं कि आप बड़े बन जाओ, हाँ या ना? दूसरे के साथ मजाक होने में बड़ा मजा आता है, स्वयं के साथ हो जाए तो निपट जाता है, घराव ले जाता है मन, ठीक है, ईगो पे आ जाती बात। तो बात बिल्कुल समझ लेंगे हर मानव जाति के लिए,
कि मानो अब बड़ा बन जाए, अब मैच्योरिटी आ जाए, जब वो फ्रैंकली सोल से काम करता है मानव, तो सिर्फ सिर्फ न्याय करेगा और रियल में होगा और मानव को ऑनेस्टी कंडीशन क्रिएट करेगा जिससे कि वो मानव एक होता चले आएगा और इसके साथ में बढ़िया तरीके से आनंदित रहेगा। ठीक है बात? तो मानव की कंडीशंस बढ़िया होती चली जाती हैं, सिंपल होती चली जाती हैं, सिंपल सॉल्यूशन मिलते चले जाता है। तो बात बाकी है मानव इसमें पूरा खुलते चले आए, जैसे ही मानव को उत्तर मिलेंगे वो विरोधी बंद हो जाएगा, वो रेजिस्टेंस फ्री हो जाएगा, वो अपोजिट विकृत और विपरीत नहीं होगा इंटेलिजेंस के। ठीक है बात? तो इसलिए निश्चिंत स्वरूप में अब मैच्योरिटी की ओर आए और फ्रैंकली काम करें। फ्रैंकली तभी काम होगा जब सोल से काम होगा, मन से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं है ना आदमी आधा अधूरे में होता है। ठीक है, अरे दूं कि नहीं दूं, करूं कि नहीं करूं, ठीक है बोलूं कि नहीं बोलूं। ठीक है, क्योंकि जितनी भी समस्याएं आज मानव के जगत में हो रही है शरीर मन बुद्धि के कारण हो रही है। बात समझ लीजिएगा, जितनी भी समस्याएं, जितनी भी बीमारी, जितना भी कष्ट, कितना भी संकट, कितना भी भय, कितने भी निंदाएं, कितनी भी शिकायत, ये सब मन के कारण हो रही है क्योंकि मन अभी स्थिर नहीं हुआ। मन स्थिर होगा तो फिर मैच्योरिटी आएगी, मन स्थिर ही नहीं है। ठीक है बात? तो स्थिरता आ जाए मन में, बुद्धि में स्थिरता आ जाए, तर्क वितर्क ना हो। ठीक है, जब सत्य में आ जाता है तो फिर तर्क नहीं होता, वहां सिर्फ समर्पित होता है प्रगाढ़ रूप से। ठीक है, तो इसलिए बात निश्चित है कि ह्यूमन कॉन्शियस जो होगा वही आपको रिजल्ट देगा, परमानेंट आंतरिक से सुख करेगा, आंतरिक से शांत करेगा, आंतरिक से सशक्त करेगा और आंतरिक से स्वतंत्र करें। ठीक है बात? तो इसलिए इस दिशा में आइए, इस दृष्टि में आइए और इस कला में इंगित हो जाइए, समाहित हो जाइए। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।